लास्ट टाइम तुमसे काम कहा था, पता नहीं अजरा भाभी को जाकर तुमने क्या बोल दिया। उन्होंने फोन करके मुझे इतनी बातें सुनाई थी। लेकिन मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा। रहने दो वलीद, हम खुद मैनेज कर लेंगे। शाहजेब को स्कूल से निकाल दो, बहुत महंगा है। मैं उसका दाखिला किसी और स्कूल में कराऊंगा। क्या कह रहे? क्यों, मैंने कौन सा ऐसा फारसी में बोल दिया जो तुम्हें बात समझ में नहीं आई? फोन रसीर तो स्कूल बदलने का कह रहे हैं कि फीस बहुत ज्यादा। ये कैसी बात की है उसने? एक ही एक तो बेटा है उसका। तुम फिक्र ना करो, मैं बात करूंगी। ना कोई जिक्र, ना कोई तस्करा, बिला वजह तुमने मजदूर बुला लिया और वो भी गुलशन आरा से। अरे गुलशन आरा तो पागल है। मैंने तो बस उसको इतना कहा था कि मुझे तुम्हारे जैसा किचन बनाना है, वो पागल मजदूर उठा कर ले आई। बात सुनो, ये घर हमने किराए पे लिया है, समझ गई? जब अपना घर लेंगे ना तो अपने सारे शौक पूरे कर लेना। कसम से मुद्दतों से ख्वाहिश थी मेरी कि अपनी मर्जी से अपना घर सजाऊंगी, है? अब जब आए यहाँ पर, अब ये बंक डाल दिए किराए की है। मैं तुम्हें काम करो, जल्दी से अपना घर लो ताकि मैं अपने दिल के अरमान निकालूं। अपने अरमान पूरे करने के लिए पैसे भी होने चाहिए ना, और अभी तुम्हारी पसंद का सारा फर्नीचर तो डलवाया मैंने। तुम अपनी कोशिश करो, मैं अपनी कोशिश करती हूँ, हो जाएंगे पैसे भी। तुम क्या कोशिश करोगी? अम्मी के घर जाऊंगी, बोलूंगी भाई से कि मुझे हिस्सा दे मेरा, जमाल और मिल के घर लेंगे। तुम्हारे घर वालों के हिस्से से मेरा कोई लेना देना नहीं है, समझिए। कुछ दिन सबर करो, मैं ये सब कुछ खुद कर लूंगा। पर मैं तो अपना हिस्सा लेकर रहूंगी, बता दिया मैंने। भाई तुम जाना, तुम्हारी अम्मी जाना है, तुम्हारा भाई जाना है, मेरा कोई वास्ता नहीं इस चीज से। मुझे अपना घर चाहिए बस। लो भाई अम्मा, काम हो गया हमारा। अरे नसीर ने 30,000 की जगह पूरे 60,000 मेरे अकाउंट में ट्रांसफर किए। अब तुम देखना, हर महीने 40,000 से 45,000 रुपए मेरे अकाउंट में आगे गिरेंगे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। बस उससे पैसे निकलवाती रहे, हर महीने उससे पैसे बिटोरती रहे मेरी बच्ची। लेकिन ये जो तू शादी वाली जिद कर रही है ना कि उसी की दुल्हन बनूंगी, तेरी ये जिद मेरी समझ में नहीं आ रही। अरे मोमा, नसीर से शादी करना मेरी इज्जत थोड़ी है, बेबी बाजी की बहू बनना मेरी इज्जत। अब रक्षी अपना हिसाब तो पूरा करेगी ना भाई। आज क्या खिला रही है? आज तुम फाका कर लो। बादल आ रहे हैं, पकौड़े होने चाहिए। आप जल्दी आ जाते तो आपकी मुलाकात हो जाती अम्मी और वलीद से। काफी देर आपका इंतजार किया है उन दोनों ने। अच्छा हुआ ना नहीं आया, तुम आराम से मेरी बुराइयां कर सकी होगी। मैं आपकी बुराइयां नहीं करती। अच्छा नहीं तो फिर मेरी तारीफें की होंगी तुमने। अम्मी से मिल लीजिएगा, बहुत याद कर रही थी आप। अच्छा ठीक है, अब जाओ जाके एक कप चाय ला दो। तुम्हारी शक्ल देखकर और बातें सुनकर मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। जाओ। हेलो, पैसे मिल गए थे तुम्हें? हाय अल्लाह नसीर, तुम कितने अच्छे हो। मैंने सिर्फ एक बार कहा और तुमने मेरे अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए। कितना ख्याल करते हो ना मेरा। तुम भी तो बहुत ख्याल रखती हो मेरा, इतने मजे मजे के खाने खिलाती हो मुझे। अच्छा ये बताओ क्या कर रही थी? तुम्हारी यादों से फुर्सत मिले तो कुछ करूँ ना मैं। अच्छा तो मुझे याद किया जा रहा था। हाँ तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही थी। हाँ बस अस्मा का कमरे से बाहर जाने का वेट कर रहा था, अभी चाय के माने उसे बाहर भेजा है मैंने।
और फौरन तुम्हें कॉल मिला ली। इतनी बेताबी क्या करें जनाब, तुमसे बात के बगैर मुझे रात में नींद नहीं आती। चलो मुझसे बात करके तुम्हें नींद तो आ जाती है ना, ये तो शुक्र। मेरी नींद तो ना जाने कब से गायब हो गई है, मैं याद करते करते सारी रात गुजर जाती है, नींद ही नहीं आती। ऐसी बातें ना किया करो यार, मुझे बहुत दिल चाहता है पर तुमसे मिल आएगा, बहुत मिस करता हूँ मैं। हाँ मिलेंगे। बहुत प्यारी बातें करती हो तुम कभी कभी। आगे खाना खा लो। मुझे भूख रही है। मुझ पर गुस्सा हूँ, खाने से कैसी नाराजगी? अच्छा ना सॉरी, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी से कंपेयर नहीं करूंगा। आ जाओ। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आज गई थी नसीर के घर? हाँ गई थी। अस्मा कैसी है? क्या बताऊँ, बहुत परेशान है। नसीर उसको बहुत तंग कर रहा है, घर के खर्चे के पूरे पैसे नहीं देता, और तो और शाहजेब की फीस नहीं दे रहा। फीस क्यों नहीं दे रहा? वह कहता है कि स्कूल बहुत महंगा, इसको किसी सस्ते स्कूल में डाल दो। मैं तो कहती हूँ जमाल, तुम जरा नसीर से बात तो करो, समझाओ उसे। मेरी कहाँ सुनते हैं अम्मी, वो अब तो घर भी अलग हो गया है, कुछ भी कहूँगा ना तो कह देगा हमारे घर का मामला है। एक काम करता हूँ अम्मी, वलीद के हाथ अस्मा को पैसे भिजवा दे, वो शाहजेब की फीस भर देगी, ठीक है ना?
बेटी। वलीद, तुमने व्हाट्सएप पे इतने डिप्रेसिंग स्टेटस क्यों लगाए? अब जैसी बंदे की फीलिंग होगी वही अपलोड करूंगा ना। यार मैं नहीं जाना चाहता लाहौर। मैंने अम्मी से भी कहा था, वो कह रही है कि जमाल भाई तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रहे होंगे। तो जमाल भाई अच्छा ही सोच रहा है ना? तुम भी सबकी हाँ में हाँ मिलाने लग गई। किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। वलीद देखो, वहां पे तुम्हारी ना अपनी दुकान होगी। दीदी आंटी की तरह मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। अच्छा भाई चलो खाना खाने चलते हैं, जो बहुत भूख लग रही है। आज का खाना मेरी तरफ से, तुम्हारा मुंह ठीक हो जाएगा, आ जाओ। मुझे लगा था कि तुम मेरी बात समझोगी। समझ में अम्मी को छोड़ के नहीं जाना चाहता। वलीद एक ही बात ना बार बार मत धरो। बीबी बाजी की खुशी है इस चीज में कि तुम बाकी भाइयों की तरह वेल सेटल्ड हो जाओ। अच्छा जल्दी चलो, तुम्हें अस्मा भाभी के घर भी जाना था ना? हाँ, अभी उनको भी पैसे देने जाना है मैंने। पैसे किस चीज के? नसीर भाई खर्चे में तंग कर रहे हैं। नसीर भाई भी ना? चलो। आंटी मैं आपके लिए गिफ्ट लाया था, आपको पसंद आए? अरे क्या खाक पसंद आने थे, कौन से लाखों करोड़ों के तोहफे लेके आयो। इतनी छोटी सी आई शेड किट लाके दी थी मामा के किसी काम की नहीं। अगली बार जाओ ना तो महंगे और कीमती परफ्यूम लेके आना, मुझसे नाम ले लेना एक दो के। मैं जरूर ला दूंगा। आंटी मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी अम्मी को ले आऊं आपसे मुलाकात के लिए। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि कम से कम मेरी और अक्षय की एंगेजमेंट हो जाए। अरे बेटा बेटा मैं सदके जाऊं, मैं तो खुद चाहती हूँ अपनी बेटी के हाथ पीले कर दूं, लेकिन अभी रुक जाओ। हाय क्या बताऊं तुम्हें, हाथ बहुत तंग जा रहा है हमारा। जैसे मंगनी होगी उसके बाद फिर शादी की तैयारियां करनी होंगी, और हमारे पास तो बेटा अभी कुछ नहीं, बड़े बुरे हालात हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि कुछ अरसा रुक जाओ, जैसे ही मेरी बीसी खुलती है छठ मंगनी पट गया। अरे आंटी आप खर्चों की फिक्र क्यों कर रही हैं, मैं उठा लूंगा ना शादी का सारा खर्चा। अरे छोड़ो बेटा ये कहने की बातें होती हैं, अभी फिलहाल तो बड़ी मुसीबतों में हम फंसे हुए हैं। खैर अल्लाह तुम्हारा भला करे, अब ये मेरी बच्ची बेचारी इसी से पूछ रहा हूँ। बताओ बताओ, एक स्टेट एजेंट 35,000 एक उसका देना है। मेरी बच्ची को फोन कर करके उसने सर में दर्द लगा दिया, बेचारी सो नहीं सकी कितने दिन। 35,000? बस 35,000 की तो बात है, मैं दे दूंगा ना पैसे। मामा वो किराने वाला जितनी बार गुजरा ना उतनी बार बातें सुनाता है अपने 10,000 रुपए के लिए। से मदद करने चाह ही रहे हो ना हमारी, तो 50,000 रुपए की कर दो। जैसी बीसी खुलेगी ना एक एक पैसा गिन के वापस करेंगे तुम। ये कैसी बातें कर रही हो रक्षी, तुम मुझे ऐसा समझती हो? मैं तुम्हें पैसे दे के वापस थोड़ी दे लूंगा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने सलमान बेटे की शक्ल में एक फरिश्ता भेज दिया। अल्लाह तुम्हें बहुत दे मेरा बच्चा। अच्छा अब बातें लेके बैठ गई हूँ, चाय लाती हूँ अपने बच्चे। बेटा बिस्किट नहीं होंगे शायद, पत्ती है या नहीं, बस बुरे हालात है, आप तुम जानो यार। रक्षी बताओ जी। रक्षी तुम बातें बातें करो, अब तो रिलैक्स हो जाओ तुम। थैंक यू सलमान, लेकिन वादा है मैं जैसे 15,000 रुपए लौटाए थे ना तुम्हें, बिल्कुल उसी तरह सारे पैसे वापस करूंगी। एक तो तुम हिसाब किताब बहुत रखती हो। तुम्हें पता है दुबई में मेरा एक दोस्त है, वो मुझसे कह रहा था कि फेसबुक पे होने वाली दोस्तियां जो है ना वो ज्यादातर धोखा देती हैं। मैंने उससे कहा कि मेरे साथ कराची चलो, मैं तुम्हें रक्षी से मिला तुम। हाय अल्लाह कितने भोले हो तुम। तुम्हारी मासूमियत और सादगी देख के तो कोई भी मुतासर हो सकता। कसम से उस दिन तो बचत हो गई, अगर मैं पकड़ी जाती ना तो जमाल ने उसी वक्त मुझे पंखे से लटका के ना फांसी दे देनी थी। देखो जरा मेरे तो खुद पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी जब मैंने दरवाजे पे जमाल भाई को खड़ा देखा। बस अब तो जब तक वो नकली जेवर बनवा के रखवा नहीं देती ना,
मेरी जान इसी तरह सूली पे ही अटकी रहेगी। कसम से हर वक्त डर लगा रहा था कि बड़ी भी देख ना ले कि जेवर गायब है। बार बार जाके देखती हूँ कि कहीं अलमारी में तो नहीं घुसेंगी गुड़िया। नहीं नहीं तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, अरे एक दो दिन की बात है, मेरा सुनार ऐसा चैंपियन है ना नकली जेवर तैयार करने में, अरे तू हाथ में रखेगी तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा असली और कौन सा नकली। ऐसा ना हो कि असली वाला वापस बुढ़िया के पास चला जाए और नकली वाला मेरे हिस्से में आ जाए। भाई कब बना के देगा? अब बस एक दो दिन और लगेंगे। दो दिन? हाय अल्लाह, ये तो बहुत टाइम है फिर। अल्लाह मियां बचाए बस। बस अदर चैंपियन टेंशन नॉट। आसमा वलीद आया तुम्हारे पास? जमाल भाई आपको पैसे नहीं भिजवाने चाहिए थे। क्या हो गया आसमा? ये मत समझो कि ये पैसे तुम्हारे जेठ ने भेजे, तुम्हारे भाई ने भेजे हैं पैसे। फौरन शाजिब की फीस जमा कराओ, समझ गई? नसीर को पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। आप फिक्र नहीं करें, मैं किसी ना किसी तरीके से ना नसीर को समझा लूंगी, दे देंगे वो फीस। अरे तुम शाजिब की फीस जमा कराओ, नसीर को कैसे मनाना है क्या करना है ये बाद में सोचना, जब तक तुम्हारा भाई है ना तुम्हें कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। और पैसे चाहिए तो बताओ, भेज दूंगा। जी बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ओ मैं मम्मी के यहाँ जाने का सोच रही हूँ। अरे वाह, मम्मी से दोस्ती हुई तुम्हारी? मेरी कौन सी लड़ाई हुई थी? मेरी तो कोई लड़ाई नहीं हुई। जब आसिफ की शादी का कार्ड देने में जा रहा था तो तुमने कहा तुम्हारे भाई ने अपने साले की शादी में हमें नहीं बुलाया, तो जाने की जरूरत नहीं है, बस व्हाट्सएप कर देना, तुमने तो कहा था। नफरत है मुझे ऐसे मर्दों से जो औरतों की तरह बातें पकड़ के बैठ जाते हैं, मर्दों पे जेब नहीं देती ये चीज, समझे? अच्छा तुम्हारे घर वालों की बात है तो मर्द ना पसंद हो गए, और तुम जो मेरे घर वालों की बातें मुझे पकड़ पकड़ के याद कराती हो सुनाती हो उसका क्या है? तुम मेरी सुनते ही कब हो जो मैं तुम्हें कोई बात पकड़ पकड़ के याद दिलाऊं है? और बताना जरा मैंने कौन सी बात पकड़ी तुम्हारी? क्यों उस दिन तुम कह नहीं रही थी फरहत को देख के तुम्हारा खून खौल जाता है, उसे तुम पर 22 घंटों के झूठे इल्जाम लगाए हैं। अगर तुम्हारे घर वालों के बारे में मैंने एक लफ्ज कह दिया तो तुम्हें बुरा लग गया? जब जाना हो चली जाना, बस अम्मी को बता के जाना। मैं किसी से कुछ पूछने की पाबंद नहीं हूँ। अच्छा ये मेरा घर है, तुम्हें बता दिया काफी है बस। और हाँ वैसे भी मैं तुम्हारे लिए ही जा रही हूँ, अपने भाई से हिस्सा मांगने, ताकि तुम्हें दो और तुम्हारी परेशानी कुछ कम हो। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं तुम्हारे घर के हिस्से में, पहले भी बता चुका हूँ मैं। हाँ भाई तुम्हें पैसों में दिलचस्पी क्यों होगी, तुम तो बड़े नवाब हो ना, आखिर पैसा लुटाते फिर रहे हो, अस्मा को भी तो दे ही रहे हो ना आजकल पैसा तुम। अस्मा को तुम्हें किसने बताया? उससे बात हो या ना हो लेकिन मुझे पता है कि तुम अस्मा को पैसे दे रहे हो। तुम नसीर से क्यों नहीं कहते हो ये कि अपने घर का बोझ खुद उठाए? अस्मा बेचारी परेशान थी। परेशान थी ना तो उसके मियाँ को सोचनी चाहिए ये बात, मेरे बच्चों का हक उठा उठा के उनको क्यों भर रहे हो तुम? मैं अलग इसलिए हुई थी कि इस भराई से जान छुटेगी, लेकिन नहीं तुम सारी जिंदगी इन्हीं को भरते रहोगे। रक्षी, अरे भाई आज तो बड़ी गर्मी लग रही है, मुझसे कुछ नहीं खाना वाना बन, मैंने नहीं किचन में घुसना, कुछ ऑर्डर कर दो। कर दिया ऑर्डर, आने वाला होगा राइडर। वेरी गुड, लाओ कार्ड दो, मैं जाके ना एटीएम से पैसे निकाल लाऊं। उसकी जरूरत नहीं है, वो सलमान आया था ना मिलने, पैसे दिए थे दराज में रखे। सलमान आया था? कब आया था, मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी फ्लाइट थी ना दुबई की, कह रहा था तुम्हारा दीदार किए बगैर जा नहीं सकता। वैसे बख्शी एक बात बताऊं, मुझे नसीर से ज्यादा ना सलमान समझ में आ रहा है, और पसंद भी ज्यादा वही है, तू भी सोच उसके बारे में। ओहो मामा क्या हो गया आपको? अरे भाई ये सलमान की नौकरी दुबई में आज है कल नहीं है,
नसीर के पास अपना कारोबार, अपनी दुकान है, और वैसे भी शादी के बाद उसका फ्लैट मैं अपने नाम करा लूंगी। क्या हुआ, मेरी तस्वीर क्यों नहीं बना रही? हेलो, बहुत अच्छी लग रही हो। बस यही सुनना था, क्या कर रहे हो? थोड़ा काम से बाहर निकला था, अब वापस जा रहा हूँ। अरे तो कॉल करने की क्या जरूरत थी, एहतियात से गाड़ी चलाओ ना। तुम कितनी फिक्र करती हो मेरी। मजबूरी है ना मेरे दिल की। अब फोन काटो। अच्छा ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या बोल, कह रहा था प्यारी लग रही हो। वो तो हो तुम। चल बस जल्दी से खाने का पता कर, अभी तक कोई बैल नहीं हुई दरवाजे पे, कब आएगा? कर रही हूँ। भाई तुम अस्मा को तंग करना कब छोड़ोगे? अब सुधर जाओ। क्यों, अब मैंने क्या किया? तुम शाहजेब के स्कूल की फीस क्यों नहीं दे रहे थे भाई? अब देखो ना, जमाल को अस्मा को फीस भेजनी पड़ी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हाँ बेटा, आज कैसे अचानक आना हो गया? क्यों, अपनी माँ के आने के लिए मुझे काबीना बिठानी पड़ेगी क्या? अरे नहीं भाई, जैसे नहीं कह रही। चल आ बैठ। बड़ी खामोशी है घर में। आई हमारे घर में तो इतना शोर होता है ना कि क्या बताऊं। बस क्या कर रही थी तुम? बस खाने पकाने की तैयारी कर रही थी। एक बात बताओ मुझे कि भावज भी हिल के कोई काम करती है, हाथ पांव हिलाती है, सारे घर के काम तुम ही करती हो? अरे हाँ बोस, मैं सालन बना लेती हूँ, वो रोटियां बना लेती है। अब तुम बताओ, नए घर में शिफ्ट हुई हो, अलग होके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अरे काहे का अच्छा, सोचा था कि अपना घर होगा तो उसे अपनी मर्जी से सजाऊंगी, चीजें लाऊंगी, खूबसूरत बनाऊंगी, लेकिन क्या फायदा, यहाँ तो कोई भी चीज लाने को बोलो तो जमाल की एक ही रट है। ये तो किराए का घर है, जब अपना होगा तब करना। अब भला मुझे बताओ, क्या जरूरत थी अपने हिस्से के पैसे अपने भाइयों को देने की? ये कारोबार ले लिया उनके हाथ से मैंने, है पता नहीं कब होगा अपना घर। पैसे काट काट के बचा बचा के कोशिश तो कर रहे हैं कि अपना घर ले लें, लेकिन इतना आसान है कोई घर लेना? तो मैंने सोचा कि क्यों ना आके आप लोगों से बात करूं और अपना हिस्सा ले जाऊं और वो जमाल को दूं ताकि हम भी अपना घर लें। तो तुम ये बात करने के लिए आई हो? मैंने सोच रही थी कि ये इस तरह अचानक कैसे आ गई। इसमें इतना लंबा ओ करने की क्या जरूरत है, हक की बात करने आई हूँ मैं। और तुमसे क्या बात करूँ मैं, तुम तो मेरे हक में एक लफ्ज नहीं बोलती। बोली नहीं हूँ मैं, तुम भूल गई होगी, एक इकलौती बहन, एक इकलौती नंद, लेकिन भावज ने अपने भाई की शादी पर मुझे नहीं बुलाया। अरे अजरा, उन लोगों ने कुछ चंद लोगों को बुलाया था, अगर हर बहू के रिश्तेदारों को बुलाती तो बहुत ज्यादा मेहमान ना हो जाते। हाय हाय, कैसे बोली उनके हक में, देखा तुम हमेशा उन्हीं की साइड लेती हो। अगर उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था तो तुम कह सकती थी कि मेरी बेटी को नहीं बुला रहे तो मैं भी नहीं आ रही, लेकिन नहीं, तुम तो फुदक के डिस्को लगा के पहुंच गई होगी मुंह के ऊपर शादी के अंदर, शादी का खाना खाने के लिए है। और वो बात भी नहीं भूली हूँ मैं, वो जो मैंने कहा था कि वकार को बोलो कि शाहजेब की जैसी साइकिल दिला दे उमर को, है
उसके बाद तुम तो ऐसी गायब हो पलट के फोन नहीं किया, पलट के देखा तक नहीं कि पत्थर की हो जाओगी पीछे देखोगी तो। अरे बस कर जा जरा, तुझे तो लड़ाई का बहाना चाहिए, कोई ना कोई बात सोचती रहती है। मैं यहाँ पे समझने के लिए नहीं आई हूँ, है मैं बात करने आई हूँ अपने हिस्से की, वही बात करके जाऊंगी। अब कहाँ है तुम्हारा बेटा बहू, बुलाओ ना उनको। ऐसी कौन सी बातें हो रही कमरे के अंदर जो बाहर नहीं आ रहे हैं। वकार वकार, अरे आ रहे, तू शोर ना मचा। वो असल में कहीं जाना था उन्होंने, लेकिन तेरे आने की वजह से अब वो कहीं नहीं जा रहे। अरे अज़रा अब्बा जी आई हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़रा अब्बा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे थे भाई तुम लोग? वो समीना के बहनों ही आया ना अमेरिका से, तो उन्हें मिलने जा रहे। भैया अमेरिका से आए कोई हज करके थोड़ी आए कि उनसे मिलने जाना था। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उछल उछल के कूद कूद के अपने ससुराल में घुस जाते हो, हैं? कभी बहन के ससुराल का ख्याल आया तुम्हें? एक अकलौती बहन है, ये नहीं कि चलो अपनी बीवी को पकड़ के ले आओ मेरे घर पे, मेरी भी कोई इज्जत रह जाए ससुराल में। नहीं, खुद की अमार मार के ससुराल घुसेगा ये। इसीलिए ना मैं कमरे से बाहर नहीं आ रही थी, इनका तो बस काम यही है कि सामने बिठा के बस बातें सुनानी इनको आती है। ए बहन बात सुनो, तुम इतनी हसीन को पतरा रही हो कि तुम्हें सामने बिठा के मैं बातें सुनाऊंगी या बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं? मैं तो आई हूँ अपनी बात करने के लिए, और वैसे भी बातें उन्हें सुनाई जाती है जिनमें गैरत होती है, यहाँ तो सारे बेगैरत बैठे हुए हैं अम्मी को छोड़ के। अम्मी देख रही है, सुन रही है इनकी बातें? देख रही है अम्मी, अंधी थोड़ी है जो नहीं देख रही है। अम्मी देख रही है आप इन्हें। अज़रा इतने दिनों के बाद आई हो तुम, और आते ही भाई भाभी से लड़ने बैठ गई। अम्मी तुम फिर इनकी साइड ले रही हो ना दोनों की? एक तो पता नहीं असलम चचा किधर रह गए, सदा के ना सुस्त आदमी है वो भी। असलम चचा क्यों आ रहे हैं? अज़रा तुमसे हिस्से की बात करने आई है। अज़रा बाजी, वकार ने ना पैसे जमा कर करके आपकी शादी की है, उसी का लिहाज करते हुए तो आपको अपना हिस्सा भी छोड़ देना चाहिए। ओए देखो अम्मी देखो, ये घर की बात है, उसको कैसे पता चल गई? जब मेरी शादी हुई थी तो इस घर में नाजिल भी नहीं हुई थी, ये फितना तो बाद में यहाँ पर आया है। अच्छा तो ये है जोरू का गुलाम जो अगले पिछले सारे घर के राज है ना अपनी बीवी के कान पे भर रहा है। कितना चराक है अम्मी देखो, ये कैसे इसने अपना एहसान जताया, अपनी बीवी को बताया कि मैं कितना महान हूँ, मैंने अपनी बहन की शादी की है। और बीवी बात सुनो, अगर इसने मेरी शादी कर भी दी ना तो कोई एहसान नहीं किया। हर भाई अपनी बहन की शादी करता है, और हमारे ससुराल में तो भाई भाइयों की शादियां भी करते हैं। और अगर इसने चवन्नी लगाई दी ना मेरी शादी पे तो मैं इसको पूरा 100 रुपए का नोट क्यों पकड़ाऊं, है पूरा का पूरा हिस्सा दे दूं जायदाद का इसको। इतना एहसान नहीं किया इसने मुझ पे जो तुम ना बसों में चूरन बेचने वाले की तरह इसके एहसान जता रही हो। आई बड़ी कहीं से, आने दो असलम चचा को, आज ही साफ करके जाऊंगी, ये फैसला आज ही होगा। कर ही लीजिएगा फिर कोई फैसला। अरे भाई तुम लोग झगड़ा क्यों कर रहे हो? अभी मैं जिंदा बैठी हूँ ना, मेरे होते हुए घर के बंटवारे की बातें कर रही है, चुप कर दो। अब कोई चाय पानी का भी पूछेगा कि ऐसे मुंह देखता रहेगा मेरा बैठा हुआ? शरद भाई को कितनी बार मना किया यार, छुट्टियां ना किया करें, महीने में 2-4 छुट्टियां जरूर करते हैं आप। जाए जाके नया माल देखें। क्या हुआ जमाल भाई? हो गया टिकट, परसों रात 10 बजे चलेगी ट्रेन। पूछा नहीं ऑनलाइन क्यों नहीं हो रहा था? जी मैंने पूछा था, वो कहते सिस्टम डाउन है। अरे जमाल भाई सरकार के ऑनलाइन सिस्टम काम ही कहाँ करते हैं, और अगर ये ऑनलाइन सिस्टम काम करने लग जाए तो इनकी ऊपर की कमाई बंद हो जाए। हाँ ये भी ठीक है यार। वलीद तुम एक काम करो, घर निकलो, अम्मी को बता देना, जाने की तैयारी करो। ठीक है बेटा? ठीक है जवान पे। तुम जाके इस काम चोर को देखो, और चुपकियां करता है। किन सोचों में हैं आप? हैं कुछ नहीं, बस वलीद के जाने की वजह से ऐसे दिल उदास सा हो रहा है। अरे वो कौन सा दूर जा रहा है, और आता जाता रहेगा वो, कभी आप चली जाएगा कभी वो आ जाएगा। हाँ मैं सोच रही थी अज़रा कि जिस दिन वलीद जा रहा है क्यों ना हम सबको खाने पर बुला ले,
कितने ही दिन हो गए हैं इकट्ठे मिल बैठ के खाना नहीं खाया। ठीक है, मैं अस्मा और नसीर को कह दूंगी और वलीद से कहना कि वासिफ और फरद से ना उनके घर जाकर मिलाए। अजरा, ऐसा रवैया रखोगी ना तो भाई एक दूसरे से कट कर रह जाएंगे। तुम जेठानी हो, तुम्हें तो ये चाहिए कि अपनी देवरानियों को महीने में कम से कम एक दफा खाने पर बुला लिया करो। ऐसे करोगी तो मेल जोल रहता है। तो कह तो रही हूँ ना मैं कि अस्मा को बुला लूंगी। अस्मा आए मेरे घर 100 बार आए, 1000 बार आए, लेकिन फरद से मैं नहीं मिलूंगी। मैंने तो घर अलग होने से पहले ही सोच लिया था कि फरद ना तो मेरे घर आएगी ना ही मैं जिंदगी भर उसकी शक्ल देखूंगी। बता दिया है मैंने आपको। हाँ, अस्मा से मुझे कोई बैर नहीं। अच्छा भाई, रहने दो तुम फिर। मैं अस्मा से कहूंगी अपने घर सबको बुला रहे। ये क्या बात की आपने? वलीद मेरे घर में रहता है और इस घर से जा रहा है तो दावत भी मैं ही करूंगी ना। अस्मा किस खुशी में दावत करेगी? मैं नहीं चाहती कि कोई ऐरा गारा मेरे सामने खड़ा होकर ये बोले कि देवर और सास रहते तो इनके घर में है लेकिन दावत है अस्मा करती है। तो फिर बुला लो दोनों को। भाई बहुत जिद्दी हैं आप। ठीक है, आपके कहने पे मैं बुला तो लूंगी, लेकिन याद रखिएगा सिर्फ वासिफ आएगा क्योंकि फरहत की नाक ना बहुत लंबी है, वो नहीं आने वाली। बड़ा शौक हो रहा है अपनी चहेती बहू को बुलाने का। जी अस्सलाम वालेकुम अजरा भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है तुम्हारे? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अच्छा, वो मैं कह रही थी कि वलीद जा रहा है ना लाहौर, तो मैं सोच रही थी कि सबका अपने घर पे खाना कर लूँ। भाई देखो ना, अब अम्मी के बाद तो मैं ही बड़ी हूँ ना। अच्छा है, सब लोग मिल लेंगे वलीद से, तो तुम और अस्मा भी आ जाना। हाँ जी ठीक है, हम आ जाएंगे। अच्छा वो यही कह रही थी कि भाई तुम अस्मा को तंग करना कब छोड़ोगे, अब सुधर जाओ। क्यों, अब मैंने क्या किया? तुम शाहजेब के स्कूल की फीस क्यों नहीं दे रहे थे भाई? अब देखो ना, जमाल को अस्मा को फीस भेजनी पड़ी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अस्मा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? तुमने जमाल भाई से पैसे लिए? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जमाल भाई से पैसे लिए हैं या नहीं? उन्होंने खुद भिजवाए थे। खुद पैसे देने क्यों लग गए? क्या तुम ज़कात खैरात की मुस्तहिक हो जो पैसे भेजेंगे? फ़ोन करके अपने दुखड़े सुनाए उन्हें। तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। इशा से तुम अंदर जाओ। भाई इसे सुन लेने दो, किस तरह इसकी माँ इसके बाप को बदनाम कर रही है। जमान भाई को बोल रहा होगा कि नसीर मुझे पैसे नहीं दे रहा है ना? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। तो क्या जमान भाई खुद हर महीने तुम्हें पैसे भिजवाते हैं? मेरी बात सुने नसीर, उस दिन अम्मी आई थी ना घर पे, तो शाहजेब ने उनके सामने फीस का जिक्र किया था। मैंने खुद से उनसे कुछ तुमने बच्चे को सिखाया होगा ना कि जब दादी आए तो फीस का बोलना। मैं क्यों? कितने पैसे दिए?
25,000। जाओ जाओ, दफा हो जाओ, अभी लेकर आओ। मैं जमाल भाई को पैसे वापस करूंगा, ला के दो मुझे। चलो इसमें 10,000 कम है, मैंने शायद की फीस पे कर दी। तुम्हें एक बार बात समझ में नहीं आती क्या? जब मैंने मना किया था कि शानन पे स्कूल में नहीं पढ़ाना, तो फिर तुमने दिन के खुद से काम कर लूंगी, लेकिन शाहजेब को उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। तुम सिवाय बावर्ची खाने में काम करने के और कोई काम नहीं कर सकती। बड़ी आई, मैं खुद कोई काम कर लूंगी। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम खुद से क्या कर सकती हो। देख बेटा, अब तो ट्रेन में जा रहा है ना, अपने सामान का बहुत ज्यादा ख्याल रख। ये ना हो कि तुम सो जाओ और कोई सामान लेकर गायब हो जाए। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं अपनी एक भी चीज इधर से उधर नहीं होने दूंगा। ये लो, ये रख लो। अम्मी, ये तो अब्बू की घड़ी है। हाँ, जब तुम्हारे अब्बू का कारखाना चल पड़ा ना, तो एक दिन वो बहुत खुश आए, मेरे लिए 4 सोने की चूड़ियां लेकर आए और अपने लिए घड़ी। और इस घड़ी के बाद हमारा वक्त बदल गया, कभी किसी चीज की तंगी नहीं हुई। फिर तो मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। तुम्हारे अब्बू तुम्हें बहुत डांटते थे ना, पर अकेले में मुझे कहते थे कि ये मेरा बेटा सबसे तेज है, और देखना जब ये काम करना शुरू करेगा तो सबसे आगे निकल जाएगा, मुझसे भी। मेरा बिल्कुल दिन नहीं है आपको छोड़ के जाने का। बेटा, क्यों मेरी फिक्र कर रहे हो? याद रखो, मेरी खुशी तुम्हारी तरक्की में। दिन लगा के काम करना, अब्बू से भी ज्यादा। तुम्हारी माँ जो है ना, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर उसका बोझ तुम पे पड़ जाए तो घबराना मत।